बात है कि हेलो फ्रेंड, हेलो बच्चे, एवरीवन गुड मॉर्निंग करने की बात है कि आज जो लॉकडाउन में हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वह घर पर रहकर देखें और सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जितना भी वीडियो हम डालें उस सब का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और देखें, पूरा देखें, बढ़िया से देखें, कॉन्सेप्ट है। आज जो हम लोग टेंस दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का भी परिभाषा जाने, ऑब्जेक्ट के बारे में भी जाने, हर के बारे में भी जाने, कॉम्प्लीमेंट के भी बारे में भी जाने। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में आज हम लोग देखने चल रहे हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। बहुत सारे बुक में मिलता है, ए एन एर्दौ को आर्टिकल्स कहा जाता है, बात सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज जानिए वो ठीक है, लेकिन और कुछ जानिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे रहे हैं आर्टिकल्स, सबसे पहले हम हेडिंग दे रहे हैं आर्टिकल्स, क्या है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में जानिए। आर्टिकल्स ठीक है, तो आखिर आर्टिकल्स है क्या, किसे कहते हैं आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल्स कुछ नहीं है, यह जो है एक एडजेक्टिव का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी हम जान सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी हम जान सकते हैं, आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्टिकल्स ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है ना, तो डिक्शनरी उठाकर जब देखिएगा तो आर्टिकल्स का आपको बहुत सारे अर्थ मिलेगा। बोला जाएगा कि आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद भी होते हैं, आर्टिकल्स मतलब लेख भी होता है, आर्टिकल्स मतलब पद भी होता है, आर्टिकल्स मतलब समान भी होता है, आर्टिकल्स मतलब उपवाद भी होता है ना, तो फंस गए ना। आर्टिकल्स का मतलब लेख भी होता है, आर्टिकल्स का मतलब पद भी होता है, आर्टिकल्स का मतलब समान भी होता है, आर्टिकल्स का मतलब होता है उपपद भी होता है ना, आर्टिकल्स का मतलब अनुच्छेद भी होता है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए, हम बोल दें कि जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी का आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, तो क्या कहिएगा कि जाकर ए एन और द का आर्टिकल्स, महात्मा गांधी का ए एन और द का आर्टिकल्स पढ़ ले, सही है नहीं है। आर्टिकल्स का मतलब जो होता है लेख भी होता है, कह दीजिए कि आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख भी होता है कि महात्मा गांधी का आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, यानी आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, लेख। आर्टिकल्स का मतलब पद भी होता, बोला जाएगा कि इस आर्टिकल्स के तहत इस पोस्ट पर है, तो पद भी होता, राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तरह इस पोस्ट पर है, बने हुए हैं, तो भी आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स का मतलब अनुच्छेद भी होता। कह दीजिए कि इस आर्टिकल्स के तरह मोहम्मद बिन कासिम का जो फांसी हुआ है, कसाब का फांसी हुआ है ना, तो वो भी एक आर्टिकल से है, अनुच्छेद की, तो क्या कहेंगे कि ए एन और द की तरफ फांसी हुआ है, नहीं ना, नहीं क्या। तो आर्टिकल्स के मतलब इतना सारे समान होते हैं, हर जाइएगा तो देखिएगा, बोलिए कि बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे पड़े हैं, तो कहिएगा कि बहुत सारे ए एन और द बिखरे पड़े हैं, नहीं ना, तो आर्टिकल्स का मतलब हुआ समान भी। ठीक है, तो ये सब जो होता है आर्टिकल्स का मतलब, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स हम बोले हैं आर्टिकल्स इज, तो ये कहना सिर्फ ही सही नहीं है कि आर्टिकल्स ए एन और द को ही कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब बहुत है, बहुत सारे पद। तो आर्टिकल्स इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल्स जो है लिख सकते हैं परिभाषा, आर्टिकल्स इज नथिंग, इट्स, आर्टिकल्स इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ
parts of adjective. Articles जो है कुछ नहीं है, articles जो है कुछ नहीं है, यह एक adjective का क्या है? Parts. ठीक है, लिख सकते हैं, जिसको कॉपी कलम निकाल के बैठिए, देखिए मेरे क्लास में कॉपी और कलम लेकर बैठिए, बोल रहे हैं उसको लिखते जाइए, पॉइंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट लिखते जाइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, कंसेप्ट होता है नहीं तो फैक्ट होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट अगर आप नहीं समझिएगा तो आप कुछ नहीं लिखने आएगा, न स्पोकन करने आएगा, न राइटिंग लिखने आएगा, न लेटर लिखने आएगा, और ग्रामर भी नहीं। ये हमारे कंसेप्ट नेसेसरी है, कंसेप्ट अगर आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि आर्टिकल्स जो है इस तरह लिख सकते हैं, आर्टिकल्स कैन बी सिचुएटेड अंडर टू पार्ट्स। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया, इसको बता रहा है, आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन है इसको हम लोग देखने चल रहे हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स ये तो है, डिफिनिट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, डिफिनिट आर्टिकल्स और इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को बोलते हैं, ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स, और द को क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स। यहां तक सब लोग जान रहे हैं, पहले भी आप बुक में किसी का, किसी राइटर का बुक हो उसमें इस तरह का दिया गया है, ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल्स, बहुत विस्तृत से पढ़ाएंगे। और मेरे क्लास में अगर खाली समझ गए कंसेप्ट ले लिए तो आपको आर्टिकल और पांच सात नंबर जो पूछता है ट्वेल्थ में छूटने वाला आपको नहीं कहेंगे। तो आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स के दो रूप होते हैं, जैसे बता रहे हैं आपको, एक ए होते हैं एक एन, ए और एन होते हैं, ए भी होते हैं कंसोनेंट साउंड, जैसे ए जो साउंड, इसका साउंड देखे, इसका भी साउंड देखे तो क्या होता है, ठीक है, एक ए इसका साउंड एक होता है ओ, और एक होता है ए, एक अ होता है और एक क्या होता है, वो ए होता है। ठीक है, इसका अ जो है आज 90% यूज होता है, 90% यूज जो होता है अ का होता है, और 10% यूज जो होता है ए का होता है, बोल चलते बात स्पोकन में या रहते। ठीक है, इससे पूछा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है होगा, लेकिन समझा रहे हैं हम कंसेप्ट के लिए समझा रहे हैं, 90% अ बोला जाता है और 10% 10% जो है ए बोला जाता है। ठीक है, और कहिएगा कि सर ये कहां बोला जाता है, ये किस रूप में बोला जाता है, ये किस रूप में बोला जाता है। ठीक है, तो यह जो बोला जाता है वोकल साउंड के अर्थ में, या इसको जो बोला जाता है वोकल साउंड, वोकल साउंड के अर्थ में बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड में बोला जाता है वोकल साउंड। कहिए कि सर वोकल साउंड क्या होता है, समझाएंगे सब समझाएगा, वोकल साउंड क्या होता है इसको भी हम बताएंगे, वोकल साउंड आखिर होता क्या। वोकल साउंड वह होता है जिसका उच्चारण जो होता है वोकल कॉर्ड के द्वारा, इसके द्वारा होता है वोकल कॉर्ड के द्वारा होता है, वही क्या कहलाता है, वोकल साउंड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि वोकल साउंड और कंसोनेंट साउंड इसको हम बता रहे हैं, विस्तृत बताएंगे। एक होता है द, डिफरेंट आर्टिकल कहते हैं, इसका अगर साउंड हम लोग देखा जाए तो इसका भी दू हो, इसका भी डबल साउंड होता है। ठीक है, एक होता है द, एक द को लिखते हैं और एक लिखते हैं दी लिखते हैं, एक द लिखते हैं और एक क्या लिखते हैं, दी लिखते हैं। तो द जो लिखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के तरह इसको बोल सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, और इसको बोल सकते हैं वोकल साउंड, कर सकते हैं इसको वोकल साउंड। जब आएगा तो वहां दी का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड में सिर्फ वाय लिखा जाए, यहां वाय लिखा जाए तो इसको कह सकते हैं हम, यहां नहीं आ रहा है इसके, यहां देखिए, यहां देखिए, अगर वाय लिखा जाए, अगर वाय लिखा जाए तो इसके पहले हम कह सकते हैं कि यह वाय जो है इसको पहले अगर हम द लगाते हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, होगा द पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द
द्वापर है, इस साउंड के बोलचाल की भाषा में होती है, लेकिन यही रहे एप्पल रहे है। तो इसको अगर हम लगाएंगे लगाना चाहेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे तो दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दी एप्पल, ऐसे कहेंगे दा एप्पल, ठीक है दी एप्पल दा एप्पल। तो ये जो एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, ले बता रहे हैं एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये आपको साउंड के बारे में बता रहे हैं कि साउंड कैसे बजेगा, ये कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट जब हो जाएगा ना तो आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि मेरा नेसेसरी है। देखिए मेरे यहाँ जो है ना यह पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ सिखाया जाता है, यह जो है सिखाया जाता है, एक करी है एक सिखाने का करी है, यह एक संस्था जो है इसे सिखाया जाता है, ठीक है। तो यह जो है एप्पल के पहले अगर द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दी का प्रयोग। अब हम देखने चल रहे हैं कि क्या है, जैसे वो एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे दे रहे हैं मनीषा, मनीषा इज मैंगो, मनीषा इज मैंगो, ये वो और एग्जाम्पल अब दे रहे चल रहे हैं मनीषा, मनीषा 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 इज ए, मनीषा इज ए गुड गर्ल, यह गुड भी कर सकते हैं, टॉल भी कर सकते हैं, स्मार्ट भी कर सकते हैं ना, बैड भी कर सकते हैं, तो यह कुछ कर सकते हैं। तो यह जो है ना दुआ, यह क्या है सर, एडजेक्टिव है, यह क्या है नाउन है। हम जानते हैं कि जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है या आर्टिकल का प्रयोग होता है तो किसके पहले होता है नाउन के पहले होगा, अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, ठीक है। जब भी प्रयोग होगा तो नाउन के पहले होगा, और नाउन के पहले एडजेक्टिव को रहने का स्थान है। हम आपको बताए हैं कि आर्टिकल्स जो है नाउन का ही स्थान है, एडजेक्टिव का ही स्थान, ठीक है। एडजेक्टिव का एक छोटा भाई बुझिए, जो भी बुझिए उसी का स्थान। तो यह जो कर रहे हैं आर्टिकल है, आर्टिकल अगर यह नहीं रह रहा है तो क्या यह जो है यह आर्टिकल का कार्य करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना जी करेगा। तो करेगा यह क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ। तो इसलिए अब यहां देखिए मनीषा जी बताए हैं मनीषा इज, मनीषा इज फिल इन द ब्लैंक मैंगो, तो मनीषा क्या है या मैंगो क्या है नाउन, नाउन आपने पहले एडजेक्टिव लेगा ना बाबू, एडजेक्टिव लेगा ना, एडजेक्टिव जब भी लेगा तो एडजेक्टिव का छोटा सा भाई कौन है आर्टिकल है, तो यहां क्या होना चाहिए आर्टिकल होना चाहिए। दूसरा बात यह एक लगा है एंड क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ जो है कंसोनेंट साउंड है यानी वोकल साउंड नहीं है, यह जिसका जो साउंड जो आ रहा है देखिए इसका उच्चारण पढ़ेंगे पूरा, लेकिन लेंगे किसका फर्स्ट का, फर्स्ट कैपिटल लेटर का लेंगे, फर्स्ट लेटर का लेंगे। तो जब उच्चारण करेंगे तो यह वोकल कॉर्ड के द्वारा नहीं आ रहा, इसमें अदर पार्ट्स कार्य कर रहे हैं, लिप्स टीथ टंग सब कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड जब भी होगा तो क्या उसको पहले क्या लगाएंगे ई का, ध्यान रखिए कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चल रहा है हम यहाँ जो बता रहे हैं सब एडजेक्टिव है, आर्टिकल जब भी लगेगा उस एडजेक्टिव के पहले लगेगा, क्या लगेगा एडजेक्टिव के पहले लगेगा, यह आर्टिकल किसके लिए कार्य करेगा नाउन के लिए, लेकिन साउंड किसका लेगा पड़ोसी का, क्योंकि पड़ोसी में गुड है, तो गुड जब है तो गुड यह कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोकल साउंड है, या जब इसका साउंड आता है देखिए वोकल कॉर्ड जो होता है ना गॉड गिफ्टेड होता है, बच्चा जब जन्म लेता है ना टिल डेथ टिल बर्थ टू डेथ जो भी निकलता है साउंड निकलता है वोकल साउंड निकलता है, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो चिल्लाता है तो वो कौन साउंड होता है वोकल कॉर्ड होता है, वो क्या होता है वोकल कॉर्ड। लेकिन मरने के समय में जब डेथ होता है टू टिल टू डेथ होता है तो उसके समय में जो कॉर्ड निकलता है हमको साउंड निकलता है वो भी क्या होता है एक वोकल साउंड होता है, क्या होता है वोकल साउंड होता है। अब चल रहे हैं हम लोग पोजिशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है पोजिशन इसको बिटा रहे हैं, जिसको उतरना है कृपया उतार लीजिए, उतार के चलिए। पोजिशन ऑफ आर्टिकल्स अगला टॉपिक कर रहे हैं।
पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है स्थान। आर्टिकल्स जो है या जो हम पढ़ाने चल रहे हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, तो हम शुरू से देखते हुए हैं कि आर्टिकल्स जो होता है नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी स्थान होगा आर्टिकल्स का तो नाउन के पहले आएगा, अगर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल्स का स्थान नहीं रहेगा। कहा गया है कि नो ट्रेन नो सिग्नल, अगर ट्रेन नहीं है तो सिग्नल की जरूरत क्या है? होगी नहीं ना, होगी। ट्रेन है तभी सिग्नल की जरूरत है ना। तो नो ट्रेन नो सिग्नल, नो नाउन नो आर्टिकल्स, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल्स की जरूरत उसी स्थान पर पड़ेगी जब क्या हो? नाउन। ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स कभी भी नहीं आएगा। अब हम देखने चल रहे हैं, जैसे यहां लिख रहे हैं, यहां जैसे वो एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे बॉय पे, ठीक है, बॉय पेन, और ले लीजिए बुक ले ना, ये तो क्या है सब? ये नाउन है। क्या है हुआ? नाउन है, यह सब नाउन है। तो नाउन है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो आर्टिकल आएगा इसके पहले, आएगा ना कोई आर्टिकल तो आना है निश्चित रूप से, नेसेसरी है। तो यह कोई भी आर्टिकल्स आएगा हुआ, और यह जो आर्टिकल्स आए ए आए चाहे द आए, लेकिन आर्टिकल्स आएगा, बाद की बात है कि क्या आएगा ये, लेकिन कुछ न कुछ आर्टिकल्स यहाँ जरूर रहेंगे, क्योंकि यह नाउन है और नाउन अपने पहले निश्चित रूप से क्या लेते हैं? आर्टिकल्स अपने पर, तो आर्टिकल्स लेंगे, नहीं लेने की बात ही नहीं है। तो आर्टिकल्स कुछ न कुछ आर्टिकल्स लेंगे, या ये ले या दल, कोई दिक्कत? अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, बॉय इज, यहां देखिए बॉय इज कमिंग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, द बॉय इज कमिंग, द बॉय इज कमिंग, एक और लिख लीजिए, ए बॉय इज बॉय इज कमिंग। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां जो हम लिख रहे हैं कि ये क्या है हुआ? आर्टिकल्स नाउन्स, ये भी क्या है? नाउन्स है, ये भी क्या है? नाउन्स। तो हम कहेंगे कि तीनों क्वेश्चन एग्जांपल सही है, फर्स्ट स्टेप को किसका किसका सही है? हाथ उठाएगा कोई? बोलेगा कुछ नहीं, साउंड कुछ नहीं, इट इज नॉट साउंड, साउंडलेस। कौन सही होगा इसमें? फर्स्ट स्टेप में कितने आदमी? चलिए कोई बात नहीं, इसमें सेकेंड रह गए, सेकेंड राइट में कितने आदमी? थर्ड राइट में, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां जो है बॉय इज कमिंग, ये गलत, ये सही है, ये भी सही है। अभी गलत कैसे है इसको बारे में जानते हैं। देखिए, गलत करने के लिए नहीं जानिएगा तो सही आपसे नहीं, पहले ये देखिए कि गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हम जान रहे हैं कि जब भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है बाबू, तो नाउन के पहले आता है, पता है ना? जब भी आर्टिकल का प्रयोग होता है तो किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। तो यहाँ नाउन है, इसके पहले कुछ ना कुछ तो आर्टिकल्स आएगा ना, या ए आए या द आए, बात की बात है साउंड के। अब यहाँ कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आएगा, लेकिन यहाँ आर्टिकल्स नहीं है, यही होता है इधर, तो ये बात गलत हो गई। यहाँ देखिए बॉय है, नाउन है, नाउन के पहले कुछ ना कुछ आर्टिकल्स तो है ना, ए हो या द हो, लेकिन है ना, इसलिए सही बॉय है, नाउन है, नाउन के पहले भी आर्टिकल इसमें है, है ना, ये भी बात सही है। अब देखिए, जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, अब देखिए यह जो है बॉय क्या है? नाउन। तो नाउन हमेशा अपने पहले क्या चीज का प्रयोग होता है? आर्टिकल्स का प्रयोग होता है ना। आर्टिकल्स यहां क्या होना चाहिए? यह कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड है ना, तो कंसोनेंट साउंड है तो यह आर्टिकल्स क्या होना चाहिए? ये का प्रयोग होगा, वोकल साउंड रहता तो इनका प्रयोग होता, यहाँ ए का प्रयोग, यहाँ ए द भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब इसके और कुछ आगे रहे तब द का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके आगे कुछ और वर्ड रहे, वाक रहे,
तो अब यहाँ क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं द का, लेकिन नहीं ये बॉय होगा क्योंकि यहाँ बॉय है, निश्चित भी कर सकते हैं डिफिनेट भी कर सकते हैं। यह एक बात चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं ए एन का साउंड क्या होगा, साउंड ऑफ ए एन। ए और एन का साउंड, ए और अब ए और एंड का साउंड क्या होता है। सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए, मैं समझ लीजिए कि सिगरेट पी रहा है, मैं समझ लीजिए कि क्या पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। आदमी का फिगर है पर गलती हो गया है, मान लीजिए कि आई हो गया, यह हो गया ब्रेन हो गया ना, यह हो गया टीथ हो गया, ठीक है। यानी यहां गौर कीजिएगा, यहां से जो यहां जो है वोकल कॉर्ड, इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। इसके द्वारा जो साउंड हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड, ठीक है। यानी कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आता है तो इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी का काज होता है, जैसे टीथ हुआ, हेड हुआ, लिप्स हुआ, टंग हुआ, ईयर्स हुआ, या पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो उसमें सारा शरीर का जब एक्टिविटी आता है या कार्य होता है तो उसको कहते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन जिससे ये कॉर्ड जो होता है ना, इसके द्वारा बताए हैं टिल टू डेथ, जन्म के समय जो साउंड आता है गॉड गिफ्टेड है वह जो होता है वोकल कॉर्ड, लेकिन डेथ के समय में भी जब साउंड आता है तो उसका भी होता है वोकल कॉर्ड। जैसे कहीं चिल्लाता है बच्चा का जब जन्म होता है तो चिल्लाता आ आ आ आ आता है ना जी, तो ये साउंड किसका आ रहा है, वोकल कॉर्ड के द्वारा, किसके द्वारा आ रहा है, वोकल कॉर्ड के द्वारा आ रहा है। और इससे जो डायरेक्ट साउंड निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, वोकल कॉर्ड के द्वारा कहीं भी अगर साउंड नजर पड़े तो आंख मुंह को आप क्या लगाइएगा, एन का, ठीक है। लेकिन अदर पार्ट्स अगर उसमें आ रहा है जैसे टीथ आ रहा है, बुक 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 कैट, ये सब अदर पार्ट्स, देखिए लिप्स भी जा रहा है ऊपर जाकर सट रहा है ना, अदर पार्ट्स का हो रहा है, तो वैसे साउंड को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। लिख लीजिए जिसको लिखना है परिभाषा लिख लीजिए, वोकल कॉर्ड लिखिए, लिखिए वोकल कॉर्ड का, ए लेटर दैट प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ इट इज कॉल्ड वोकल साउंड, ठीक है। यानी वोकल साउंड प्लस क्या लगाएंगे हम होगा, एंड का प्रयोग करेंगे, वोकल साउंड के पहले क्या चीज का प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड, ए लेटर दैट प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ
टीथ लिप्स लिख लीजिए। ए लेटर दैट द प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ टीथ लिप्स टीथ लिप्स टंग बॉडी इट इज कॉल्ड वोकल साउंड कंसोनेंट साउंड। यानी हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कार्य करता है वो उसके द्वारा जब साउंड आता है तो वह क्या होता है कंसोनेंट साउंड। तो इसका भी लिख सकते हैं यहां जैसे लिप्स प्लस टीथ प्लस टंग प्लस अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ जब भी आएगा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड ठीक है। इस सब को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट में लगता है क्या लगता है इस सब को कहते हैं यहां देखिए इतने इसको इसके बराबर क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और इसके पहले जो लगता है क्या चीज का प्रयोग होता है ई का ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ एग्जांपल लेकर चल रहे हैं देख रहे हैं कि कैसे भीम होता है। हम लोग शुरू से मास्टर जी आते हैं पढ़ाने तो पढ़ाते हैं कि बुआ वॉवेल्स के साथ वॉवेल्स और कंसोनेंट वॉवेल्स और कंसोनेंट वॉवेल्स के पहले एन का प्रयोग करते हैं और कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बताते हैं कि ए ई आई ओ यू ये जो है क्या है वॉवेल्स और बाकी सब जो है अदर पार्ट इसका कंसोनेंट होते हैं। तो शुरू से पढ़ाते हुए आते हैं कि वॉवेल्स जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम सीधे क्या चीज लगाएंगे एन का प्रयोग करेंगे और कंसोनेंट से स्टार्ट होंगे तो ए का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं यू यू देखिए ध्यान से देखिए तो यू जो लिख रहे हैं यू का अर्थ होता है दो को इसका वर्ड बना रहे हैं अम्ब्रेला अम्ब्रेला और ये को लिख रहे हैं ये को लिखे हैं अम्ब्रेला और ये को लिखिए यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। यह जो है देखिए बेटा यह जो है अफार्डलेस वर्ड कौन वर्ड है अफार्डलेस वर्ड और यह जो है विथ अफार्डलेस विथ अफार्डलेस ठीक है। यह अफार्डलेस वर्ड है यह जो है विथ अफार्डलेस यानी वोकल साउंड के से जो हमको वर्ड आता है उच्चारण आता है ना उसको अफार्डलेस वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं अफार्डलेस वर्ड यानी उसमें और ये जो होता है अफार्डलेस विथ अफार्डलेस के साथ यानी उसमें अपना से अदर पार्ट्स भी आता है अदर पार्ट्स का भी यूज होता है। तो वह अब यहां देखिए यहां अम्ब्रेला और यहां इनवर्स ध्यान दीजिएगा बहुत तो। अम्ब्रेला जो है क्या है दोनों तो यू से ही स्टार्ट है सब जो है यू से ही स्टार्ट है ऐसा नहीं है कि कोई अलग से दोनों भवेल से ही स्टार्ट है और भवेल से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं इस शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग करते हैं शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हमारे टीचर पढ़ाते आ रहे हैं। अब यहां देखिए अगर यहां हम यूनिवर्सिटी के पहले एन अगर लगा दे तो वहां सही होगा कि गलत होगा ना जी गलत होगा कि नहीं गलत होगा अब तो ए आई ओ यू भवेल से लेटर खत्म हो गया ना खत्म। अब इसको हम देखते हैं कैसे देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे पूरा किसका करेंगे पढ़ेंगे पूरा लेकिन साउंड किसका लेंगे फर्स्ट वाले का ये भी पढ़ेंगे पूरा और साउंड किसका लेंगे फर्स्ट वाले जैसे यूनिवर्सिटी यू 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 आ रहा है ना इसमें जो है अदर पार्ट तिथि भी दांत कर रहा है लिप्स भी कर रहा है लिप्स भी
कार्य कर रहा है ना, अदर पार्ट पता। यह जो आप हेडलेस साउंड है विद अप हेडलेस, तो विद अप हेडलेस साउंड है, इसलिए इसके पहले क्या चीज का हम प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, यानी अदर पार्ट्स। अभी लिखाए हैं पीछे, बताए हैं कि अदर पार्ट्स लिप्स टीथ है ना टंग, अदर पार्ट्स अगर कार्य करता है तो कंसोनेंट साउंड होता है, और कंसोनेंट साउंड के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, तो इसमें अदर पार्ट्स भी तो कार्य कर रहा है, तो इसको पढ़ेंगे पूरा, लेकिन साउंड किसका लेंगे, फर्स्ट वाले का, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होता है। ये भी पढ़ेंगे पूरा, लेकिन साउंड किसका लेंगे, फर्स्ट वाले का लेंगे, इसलिए यहाँ अम्ब्रेला अम्ब्रेला आ आ आ फटलेसन अजय अम आ। तो यह केवल वोकल कॉर्ड के द्वारा आ रहा है, वोकल कॉर्ड के द्वारा आ रहा है, इसलिए यहाँ हम क्या लगाए एंड का प्रयोग, कोई दिक्कत। अब चलिए एक और बता रहा है इसका एच, एच का भी दो बोल रहे हैं, एच का भी हम ले रहे हैं दो साउंड पे, एक लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं हॉर्स, और इसको पढ़ते हैं और पढ़ देता है लोग, लेकिन इसको पढ़ते हैं और ऑर्स और ऑर्स, ठीक है ऑर्स। तो ऑर्स जो है विद फैटलेस वर्ड कंसोनेंट साउंड है, इसमें अदर पार्ट्स काज कर रहा है, इसलिए यहां क्या कर रहे हैं ये का प्रयोग, क्या करेंगे ये का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां और आ देखिए वोकल कॉर्ड के द्वारा साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। और कहां आया आपका एच जो है भवेल्स में है, इसमें कहीं नजर पड़ रहा है नहीं ना रहा है, तो वाकई सारा रूल गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया, अगर उसके हिसाब से हम बनाएंगे तो पूरा एग्जाम में गलत होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं गलत होगा, हो जाएगा नेसेसरी होगा। एक और देना है ई, यहां देखो ई का भी दो ले रहे हैं, ई का भी टू ग्रुप ले रहे हैं, एक में लिखा है एलिफेंट, एगो यूरोप यूरोप यूरोपियन कर यूरोपियन। अब देखिए दोनों ई से, ई तो भवेल सा है, ई है यहां ना वोकल साउंड में, तो ई भवेल सा है, तो एलिफेंट जो है ई ई ई एलिफेंट 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 क्या लगाएंगे एंड का प्रयोग करेंगे, या वोकल कॉर्ड के द्वारा आ रहा अदर पार्ट्स में नहीं, लेकिन यू 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 देखिए यहां यहां यू कित सट जा रहा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे ठीक है। एक और है ओ, देखिए इसमें से एक पूछा हुआ क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपको यहां दे रहे हैं, जाकर क्वेश्चन बैंक देख भी सकते हैं, सीजीएल में पूछ पा सीपीओ में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन तीन बार रिपीट किया गया, तीन एग्जाम में रिपीट सेम ही क्वेश्चन किया गया है। जैसे ये वो है ऑरेंज, ऑरेंज पूछा नहीं गया होगा, लेकिन पूछा गया वन आइड मैन, वन आइड मैन या सीपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस का भी क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो यह जो है ठीक है तो यह जो है ऑरेंज या वन आइड मैन देखा दिया गया, दोनों में ओ है फॉयल्स, तो क्या हम दोनों में ऑन एन लगा सकते हैं, नहीं ना जी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां जो है ऑरेंज अ अ अ वोकल साउंड है, तो यहां एन लगाएंगे, लेकिन वन 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 देखिए यहां टिप सट रहा है लिप सट रहा है, इसलिए यहां ई लगाएंगे, ठीक है। देखिए कहीं कहीं जो होता है कंफ्यूजन हो जाता है, दो गो तीन चार गो चीज होता है ना जिसको कंफ्यूजन हो जाता है, ये तो यू हो गया एच हो गया ई हो गया ओ, ठीक है इसको उतारना है उतार लीजिए, फिर थोड़ा मिटा रहे हैं तो आगे बढ़ो। चलिए कंसेप्ट समझिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां एक और दो चीज होता है डब्ल्यू या वाई, या ये वो और होता है ए और ए, सॉरी आई और ए, आई और
ए, ठीक है, यही दुनिया। इसमें जो होता है ना, ये जो होता है ना, हमेशा फंसाने वाला काम करता है। और यह विधि है, यह इसी से एग्जाम में भी पूछा जाता है, ट्वेल्थ का एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसी से होता है, ध्यान रखिए। और अगले साल भी आपको इसी क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहेगा तो प्रलय हो जाएगा। अब जिसे बोलते हैं, देखिए यह W और Y और I और A बहुत विवादित क्वेश्चन है, और ये भी यही पूछता है मैक्सिमम एग्जाम में, और इसी में लोग गलती कर चलाता है। अब देखिए, जैसे वो क्वेश्चन दे रहे हैं ईयर, ईयर, ठीक है, तो यहां हम ईयर बता रहे हैं बुआ कि ईयर आखिर होता क्या है, क्या होता है ईयर। ईयर जो है यह वाई है, वाई है ना जी, तो इसमें हम कह देंगे कि यह भी हमको पढ़े हैं सेमी वोवेल्स, हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यू और वाई, पढ़ते हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई, जो वह जो होता है दोनों का काज करता है, सेमी वोवेल जो है बाबू दोनों का काज करता है, कंसोनेंट का भी काज करता है और वोकल साउंड का भी काज करता है। तो यह डब्ल्यू और वाई है, वी आर इंडियन, अगर इंग्लैंड में हमारा जन्म हुआ होता तो वहां इंग्लिश ही बोलते, लेकिन वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, इसलिए यहाँ होगा कथी है, ले जाइएगा भोजपुरी वालों को कहिएगा तो कहेगा कि ईयरवा में क्या लगा हुआ लगेगा, ईयर नहीं कहेगा, ईयरवा कहेगा, ईयरवा में क्या लगेगा ना। तो क्या है यहाँ जो भाषा जो है ना हम लोग का, थोड़ा अजब टाइप का भाषा, हम लोग बिहारी हैं ना, इंडियन है, इंडियन का भाषा ही कुछ अलग है, या हर एक 10 किलोमीटर का भाषा चेंज हो जाता है, 10 किलोमीटर जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ चेंजिंग भाषा में आपको आ जाए, आवता नहीं जाता नहीं, कुछ ना कुछ होता है ना, 10 किलोमीटर पर भाषा कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, नेसेसरी है बात। तो यहां जाइएगा तो कहेगा लोग ईयरवा में कहा लगा लगेगा, ईयर ईयर ईयर, ठीक है। और यहां जो है हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे ना, अगर एगो में हम ए प्रयोग कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो यह वाक ई, देखिए इसे इसे आ रहा है, ई आ रहा है ना, ई वोकल कॉर्ड से आ रहा है, ध्यान रखिएगा वोकल कॉर्ड से आ रहा है, तो इसमें क्या एन लगाएंगे, नहीं, विवादित क्वेश्चन है, ये वो चीज एकदम, यहाँ ई वाक गलत है, ई वाक सही है, यहाँ दिखा देते हैं, तो इसके लिए दो को पॉइंट बनाकर हम लोग लिखते हैं, अच्छा ही होगा, अच्छा होगा, भूलेंगे नहीं, लिख लिया, इफ ए वर्ड स्टार्टेड If a word started with the help of W or Y, W या Y, if a word started with the W or Y, started with the help of W or Y, it takes the articles A. अगर वाक, ध्यान में रखिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत ही विवेक, अगर वाक डब्ल्यू और वाई के द्वारा स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो आंख मूंद कर हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे बाबू, ए का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ए का, कहीं भी दुनिया में कहीं भी अगर डब्ल्यू और वाई से क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो रहा है, वर्ड स्टार्ट हो रहा है और आर्टिकल्स लगाने का प्रयोग है, तो हम निश्चित रूप से हम क्या लगाएंगे, ए का। लेकिन आई और ए दो को यही विवादित है, ध्यान रखिएगा, I और A, word start देकर point लिखिए, if a word started with the help of I or A, it takes the articles, it takes the articles only and. Only and, अगर I और A से स्टार्ट हो, ध्यान रखिएगा, अगर W और Y से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आर्टिकल लगाएंगे बाबू, क्या लगाएंगे, A का प्रयोग करेंगे। लेकिन I और A से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्या आर्टिकल लगाएंगे, एंड का प्रयोग करेंगे, ध्यान में है, ये दोनों विवादित क्वेश्चन है, ऐसे से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं, अगला कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, उसको मिटा रहे हैं, खत्म होगा। देखिए
एक है एडजेक्टिव आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एगो चीज बताइए, अगर दूरियां बढ़ती हैं तो क्या प्यार में कमी हो जाती है? प्यार नहीं ना होती है, और बढ़ जाता है प्यार। आप लोग यहाँ आए हैं, बाहर से पढ़ने आए हैं, पटना में है, छपरा से है, सिवान से है, मोतिहारी से है, बेतिया से है, तो जब आते हैं तो एक बार दिन में कॉल आ ही जाता होगा कि क्या कैसे हैं, क्या नहीं है ना। बस ये आप लोग गलत जगह काहे चले जाते हैं, उस तरह बताइए पढ़ाई के बाद। तो एक बार फोन यानी माता पिता का, माता पिता का, भाई का फोन आ ही जाता होगा कि कैसे है, क्या है ना, खाया कि नहीं खाया, क्योंकि माता पिता को पुत्र से बहुत ही प्रेम रहता है, ठीक है, बहुत ही मानता है, तो थोड़ा आ ही जाता है मैम। तो दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक चीज बताइए कि यहां जैसे है, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, ये जो है ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है, एक ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ये एक मोटू आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ग्रैंडसन फादर है, आई ये ग्रैंडसन, तो इसके ये दादाजी हैं, ये दोनों आदमी बाजार चला, महल्ले से निकल रहा है, तो जब महल्ला से निकला तो किसके अकॉर्डिंग चल कार्य कर रहा है, चल किसके अकॉर्डिंग रहा है, अपने दादाजी के अनुरूप चल रहा है, इनके अनुरूप चल रहे हैं, दादाजी के अनुरूप चल रहा है। लेकिन तभी तक कुछ दूर चलने के बाद में एक मोटू आकर बीच में खड़ा हो जाता है, उसी रास्ता से चलने लगता है, तो क्या इसका मार्ग भटक जा रहा है? नहीं ना भटक रहा है, नहीं भटक रहा है, यह जो है तो ये दादाजी जो है नाउन हो गया, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, कर रहा है, और ये क्या है आर्टिकल्स, ठीक है, मोटू के आने से उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो इसलिए यह जो हो गया मोटू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो लेकिन ये कार्य जो कर रहा है किसके लिए कर रहा है, यह कार्य किसके अनुरूप कर रहा है, दादाजी के अनुरूप कर रहा है, कर रहा है ना, लेकिन साउंड किसका ले रहा है, बाबू तो अपने पड़ोसी का साउंड तो ले रहा है, आवाज तो इन्हीं का सुन रहा है ना, दूरी तो बढ़ गई है, चल रहा है इनके अकॉर्डिंग, अपने दादाजी के अकॉर्डिंग चल रहा है, नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन यह साउंड किसका ले रहा है, पड़ोसी का ले रहा है। जब भी मान लीजिए कार्य हम कुछ कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बात जब पड़ोसी का आता है तो थोड़ा देर के लिए पड़ोसी का बात मानना ही पड़ता है, पड़ता है कि नहीं, मानना पड़ता, मानना ही मानना पड़ता है। तो यह कार्य उस तरह कर रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे लिखिए मनीषा, मनीषा इज एंड ऑनेस्ट, दूसरा लिख रहे हैं मनीषा इज ए ऑनेस्ट, मनीषा इज ऑनेस्ट, मनीषा इज ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट, मनीषा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ये जो है चार को एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल में बता रहे हैं किसका हाथ उठाएगा, बोलेगा कोई नहीं। फर्स्ट राइट में कितने लोग सही हैं, चलिए सेकेंड राइट में, थर्ड राइट में, फोर्थ राइट में। अब देखिए मनीषा इज एन ऑनेस्ट, यहां जो एन जो है आर्टिकल लगा हुआ है, ये ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल उसी शब्द पर आएगा, बताए हैं इस टॉपिक में कि नाउन रहेगा तो आर्टिकल रहेगा, नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं,
नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं, तो यह बात क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए, मनीषा इज ए ऑनेस्ट, यहां ऑनेस्ट लग गया, ऑनेस्ट लग गया, आप पढ़े हुए है कि सर ऑनेस्ट है, उसका हिंदी में उच्चारण हर, यहां तो आदत है बिहारी का हर एक में हिंदी घुसाने का आदत है, कहिए कि सर सर पढ़ाए हुए हैं कि ऑनेस्ट ओ आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा, तो ये का प्रयोग होगा, कैसे गलत हो गया, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यह एडजेक्टिव है बाबू, एडजेक्टिव है, जब नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये भी बात गलत। तीसरा देखिए, मनीषा इज ऑनेस्ट, इसमें एडजेक्टिव है तो इसमें आर्टिकल नहीं है, तो नाउन भी तो नहीं है, नाउन नहीं ना है, नो नाउन नो आर्टिकल, नो ट्रेन नो सिग्नल, याद रखिए, वन ट्रेन वन सिग्नल, नो नाउन नो, ठीक है आर्टिकल, तो यह बात सही है। दूसरा देखिए, मनीषा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यहां नाउन है बाबू, नाउन है ना, नाउन है या एडजेक्टिव है और यह नाउन है, तो इसलिए यह किसके अनुरूप आया है, गर्ल के अनुरूप आया है, साउंड किसका लिया है, ऑनेस्ट का लिया है, ऑनेस्ट के लिए यह वोकल कॉर्ड है, अब वोकल कॉर्ड के पहले हम क्या चीज लगाते हैं, तो एन का प्रयोग लगाता है, पीछे एग्जाम्पल में भी हम इसका विवरण दिए हुए हैं, ठीक है। अब चलिए, हमारे कहने का मतलब आज एक क्लास हम नहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आर्टिकल लेकर, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें प्लीज, कि हम और भी वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, और पढ़िए, कंसेप्ट है, ये सब चीज सब तक नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा आपको, बुक पढ़िएगा लेकिन ये सब चीज उतना कंसेप्ट है नहीं मिलेगा, ये अपने से बनाया गया कंसेप्ट है, तो आप लोग से यही अनुरोध है कि इसको देखिए, एक बार नहीं देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, लेकिन देखिए जब एक बार समझ जाइएगा तो लाइफ में कभी आप नहीं भूलिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत।